शिक्षण द्वितीय विश्व युद्ध की एक कहानी है। दो सैनिक बड़े घनिष्ठ मित्र थे। एक शाम जब एक सैनिक शिविर में लौटा तो देखा कि उसका मित्र अभी तक आया नहीं है। सीमा पर अनेक लोग मारे गए थे। उसे डर लगा कि कहीं उसका दोस्त भी तो नहीं शहीद हो गया। उसने पूछताछ की तो किसी ने बताया, हमें पक्का तो नहीं पता कि वह मारा गया, लेकिन इतनी बुरी तरह से घायल हो गया था कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। अब तक तो शायद वह मर भी गया हो। अंधेरा गहराने लगा था और दुश्मन फौजी अब भी गोलीबारी कर रहे थे, लेकिन वह सैनिक अपने दोस्त को ढूंढना चाहता था। कमांड ऑफिसर ने कहा, नहीं यह मूर्खतापूर्ण है, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार न था। वह चला गया अंधेरे में लाशों के बीच। दोस्त को ढूंढना बहुत कठिन था। वह ढूंढता रहा और आधी रात गए कैंप लौटा। अपने मित्र का मृत शरीर अपने कंधे पर लिए हुए स्वयं उसे बहुत घाव लगे थे। गहरे घाव, वह भी नहीं बच सकता था। जब वह कैंप के बेहद करीब पहुंचा तो अपने मित्र की लाश के साथ जमीन पर गिर गया। कमांड ऑफिसर बोला, मैंने कहा था तुम्हें कि मूर्खता न करो। उसका कोई सार न था। अब तुमने अपने साथ यह क्या कर लिया? दोस्त तो मर ही चुका है, तुम भी मरने वाले हो। दम तोड़ते सैनिक ने अपनी आंखें खोली और बोला, लेकिन यह करने जैसा था, क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मेरी तरफ देखा और कहा, जिम मैं जानता था कि तुम आओगे प्रेम के लिए। जीवन को दांव पर लगाया जा सकता है, यह करने जैसा है, लेकिन हमें ठीक इसके उलट सिखाया गया है। बस जीने के लिए हर चीज को दांव पर लगा दो। बस बचे रहने के लिए हर चीज को दांव पर लगा दो। मैं तुम्हें प्रेम पूर्ण होना सिखाता हूँ। इसके लिए हर चीज को दांव पर लगा दो। जीवन भी दांव पर लगा दो। बहुत बढ़िया, यह करने जैसा है। जिस क्षण तुम ऐसे हो जाते हो, पूरी दुनिया बदल जाती है। तुम्हारे बदलने के साथ ही दुनिया बदल जाती है। और अचानक तुम पाते हो कि लोग बहुत ही प्रेमपूर्ण और दयावान हैं। वे हमेशा ऐसे ही थे। प्रेम द्वारा पहली बार सत्य के संपर्क में आया जाता है। यह प्रेम ही है जिसके जरिए कोई इंसान यह महसूस करता है कि जीवन
जितना सतह पर दिखाई देता है वह उससे कहीं अधिक गहरा है। सिर्फ प्रेम की दशा में ही तुम मंदिर में प्रवेश करते हो, मूल्यों को टटोलने लगते हो, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। स्टॉप।